तो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। मैं विक्की बर्तवाल और आज सामने खड़ी है यामा की FZS Fi विंटेज एडिशन। आज इस वीडियो में इस बाइक का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू करेंगे, देखेंगे क्या फीचर्स हैं और क्यों इसको कंपनी विंटेज एडिशन के नाम से लॉन्च किया है इंडियन मार्केट में। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने भाई के चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगे, मेरी मेहनत अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। बात करें इसके ऑन रोड प्राइस की, तो नोएडा उत्तर प्रदेश में ये 1,28,390 रुपये की है। ये विंटेज एडिशन इसलिए क्योंकि जो इसका कलर है सिर्फ एक सिंगल कलर में आती है, ये ग्रीन कलर में है, ग्रीन विंटेज कलर, क्रोम कलर में, और जो इसकी सीट है वो लेदर में है, ब्राउन कलर में, जो काफ़ी यूनिक इस बाइक को डिज़ाइन और लुक देती है। बाकी फीचर जो है FZSI Fi के जैसे इसमें सारे के सारे हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन मैं आपको इस बाइक के सारे डिटेल फीचर्स एक बार दोबारा से बताऊँगा। फ्रंट से बात करेंगे तो फ्रंट में आपको LED हेडलाइट मिल जाएगी, इसमें आपका लो बीम आई बीम की जो लाइट है वो अलग अलग है। नीचे इसमें आपको DRL मिल जाएगी, छोटी सी लाइट है। इंडिकेटर इसके नॉर्मल बल्ब इंडिकेटर्स हैं, कंपनी को इनमें थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए, LED इंडिकेटर्स लाने चाहिए। बात करें मडगार्ड की तो ग्लॉसी ब्लैक कलर में मडगार्ड है, जो कलर कॉम्बिनेशन है ग्रीन एंड ब्लैक कलर काफ़ी अच्छा है। ब्रेक व्हील सस्पेंशन की बात करें तो सेफ्टी को देखते हुए इसमें सिंगल चैनल ABS है। फ्रंट में आप रिंग भी देख रहे होंगे CNC डिस्क के बीच में। फ्रंट में डिस्क है जिसका साइज है 282 mm, वहीं रियर में डिस्क है जिसका साइज है 220 mm। अलॉय व्हील्स हैं, 17 इंच के व्हील्स हैं। फ्रंट टायर 100/17 का है, वहीं रियर आपका 140/60/17 का है। ट्यूबलेस टायर है, फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक है, वहीं आपका रियर 7-स्टेप एडजस्टेबल मोनोक्रॉस सस्पेंशन है, मतलब आप अपनी हाइट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। टैंक में ग्राफिक्स दे रखे हैं और FZS की बैटरी दे रखी है, और यामा का 3D में एनुअल लोगो दे रखा है। वहीं पर एक इंजन काउल दे रखा है जो कि प्लास्टिक का है, अल्मीनियम का होता तो काफ़ी अच्छा होता है, स्टील का होता तो थोड़ी इसको टफनेस और मिलती है। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो उसमें 149 cc का इंजन मिलता है, जो आपको मैक्सिमम पावर देता है 12.2 BHP की, और मैक्सिमम टॉर्क देता है 13.6 Nm का। सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन है, 5 स्पीड गियर बॉक्स। वहीं बात करें इसके मीटर कंसोल की तो मीटर कंसोल इसमें फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल मिल जाता है, जिसमें आपको ओडोमीटर, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर सब डिजिटल मिलते हैं। वहीं ट्रिप मीटर भी मिल जाता है, लो फ्यूल इंडिकेटर, लो ऑयल इंडिकेटर जैसे सारे फंक्शन मिल जाते हैं। स्विच की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, लो बीम हाई बीम इंडिकेटर एंड ऑन के स्विचेस, जो की है इसकी, वो इसकी की जो है वो आपके टैंक में लगती है। टैंक की बात करें तो टैंक इसका 13 लीटर का है, जो कि एवरेज आपको बाइक आराम से 45 की देती है। साइलेंसर की बात करें तो ब्लैक कलर का सिल्वर कलर के क्रोम में साइलेंसर है। सीट इसकी ब्राउन कलर के लेदर से है, लेदर है, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम लुक देती है और एक विंटेज सा लुक देती है। कंफर्टेबल सीट है, सिंगल सीटिंग सेटअप है, तो प्लेन एज वेल एज राइडर को प्रॉब्लम होने वाली है नहीं। पिनियन के लिए ग्रैप व्हील दे रखी है ब्लैक कलर की, और वही आपको फुटरेस्ट और साड़ी गार्ड दे रखे हैं। बैक में भी डिस्क ब्रेक दे रखी है, और पीछे कीचड़ वगैरह रोकने के लिए मटगार्ड लगाया हुआ है। वहीं आप ऊपर की तरफ देखें तो आपको दोनों साइड से रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, नंबर प्लेट की जगह मिल जाती है, और बल्ब टेल लाइट है। वहीं पर ही जो बाइक के अगर हम वेट की बात करें तो बाइक का वेट 137 kg है, और इसकी जो हाइट है 1080 mm है। व्हील बेस 1330 mm और ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm है। सीट हाइट है 790 mm। चेसी इसकी डायमंड टाइप चेसी है, और वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 2 साल 30,000 किलोमीटर की वारंटी कंपनी देती है। ओवरऑल बाइक एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इस प्राइस रेंज में, अगर आप 150 cc कोई बाइक देख रहे हैं तो आपको इस बाइक को जरूर कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि FZ बहुत काफ़ी पुराना मॉडल है और इसका जो ट्रस्ट है कस्टमर्स के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा है। होप मैंने सारे के सारे जो भी इस बाइक से रिलेटेड स्पेसिफिकेशन होंगे वो मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तब भी अगर कोई आप क्वेश्चन रह जाते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनका आंसर जरूर दूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सेफ राइडिंग।